नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कानपुर में फिर से हाहाकार मचा है। इस बार मसला गैंगस्टर विकास दुबे का नहीं, वो तो पैरेलल चल ही रहा है। इस बार मसला संजीत यादव का है, जिसका कि 22 जून को अपहरण कर लिया गया था। इस मामले में 26-27 जून को जो है रिपोर्ट दर्ज की गई थी, 23 जून को ही शिकायत हो गई थी और 29 जून को पहली रैंसम कॉल आई थी। परिवार ने, जो बहुत गरीब परिवार है, पिता चमनलाल जो है पान का ठेली लगाते हैं, उनका अपना ठिया है, बेटा लैब टेक्नीशियन था, अस्पताल में काम करता था, बहन की शादी होनी थी, ये बात कहीं से जानकारी चल गई उनके साथ काम करने वालों को, कहीं से सुराग लग गया बदमाशों को और उन्होंने 22 जून को अस्पताल से लौटते हुए संजीत का अपहरण कर लिया। जैसे ही रैंसम की कॉल आई, परिवार ने पुलिस को सूचित किया, पुलिस ने नंबर को सर्विलांस पे लगा दिया। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि लगभग जो है एक महीने तक सिलसिला चलता रहा और 30 लाख में सौदा तय हुआ। पुलिस की मौजूदगी में इस परिवार ने जो है 30 लाख रुपया ओवरब्रिज से नीचे गिराया। अब इसको लेकर के दो तरह की बातें हैं। पुलिस का कहना है कि बैग में जो है रुपया असली नहीं था और परिवार का कहना है कि हमने अपना घर मकान जीवर बेच करके 30 लाख रुपया जुटाया था। पुलिस दबाव बना रही थी क्योंकि उसकी बदनामी होने लगी थी कि कह दो कि उसमें पैसा नहीं था या नकली कुछ रखा हुआ था। फिर मामला जो है, नए नए SSP आए हैं, बिकरू कांड से कुछ ही दिन पहले आए हैं, दिनेश कुमार भी उनके पास पहुंचा था। उन्होंने ये आश्वासन दिया था परिवार को, परिवार ने SSP ऑफिस में धरना दिया था। बहन माँ सब रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, एक ही भाई है, वो भाई भी चला गया और उसके बाद जो है हमारा पैसा भी चला गया, सब कुछ चला गया, हम बर्बाद हो गए। तो SSP ने ये आश्वासन दिया, 10 दिन पहले की बात है, 15-16 जुलाई के आसपास की बात है, कि हम 3 दिन में जो है उसकी बरामदगी कर लेंगे, हर हाल में करेंगे और आपका पैसा भी दिलवाएंगे। तो पैसे को लेकर के तो पुलिस ने डिस्प्यूट कर दिया, लेकिन अब खबर आ रही है कि उसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, हिरासत में लिया गया है उन्हें, पहले पूछताछ हो रही है। तो उसमें उन सब ने ये बताया है कि वो जो है तत्काल बाद, यानी कि 26-27 तारीख में ही जो है उस संजीत को मार दिया था और नदी में बॉडी को फेंक दिया था। यानी कि मतलब साफ है कि अपहृत युवक को मारने के बाद वो फिरौती उन्होंने वसूली और सब कुछ पुलिस के संज्ञान में हुआ। इसमें एडिशनल SP रैंक के अधिकारी भी शामिल थी, CO भी थे, SHO भी थे और जो जांच कर रहे थे इंस्पेक्टर, वो तो सब शामिल थे ही। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जिस समय पुलिस ने घेराबंदी करके और इनको पैसा ओवरब्रिज से गिराने के लिए कहा, तो वहाँ पे पुलिस की घेराबंदी किस तरीके की थी? हम कहते हैं कि नकली ही पैसा था, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए जो डिस्प्यूट क्रिएट किया जा रहा, तो भी तो जो वसूलने के लिए आए थे वो तो अपहर्ता या अपहर्ता के लोग ही थे, आप एक को नहीं पकड़ पाए। और आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो 26-27 जून को ही उन सबों ने मार दिया था। ठीक है, मार दिया था, लेकिन पुलिस की लापरवाही, एक के बाद एक कई उन लोगों ने डेट दिया पैसा लेने के लिए, आप सर्विलांस पे लगाए हुए हैं, नंबर की रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और फिर भी जो है उसको अपहर्ताओं को पकड़ नहीं पाया, जब पकड़े तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो अब इस घटना को लेकर के कानपुर में हाहाकार मचा हुई है। यानी कि आप मानिए कि 3 जुलाई को, 2/3 जुलाई की रात को बिकरू कांड हुआ था और अब ये जो घटना हो रही है, आ रही है सामने, ये बर्रा क्षेत्र की, ये बर्रा थाने का मामला है कानपुर का, उसने हिला करके रख दिया है। और परिवार अब जो है एकदम कोहराम मचा हुआ, बेटा भी गया और पूरी प्रॉपर्टी भी बिक गई, पुलिस तमाशा देख रही है। जैसे इसमें कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन